हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल ग्रुप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे GNM एंड ANM के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। GNM और ANM के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बात करेंगे दोस्तों। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों कि जो आपके GNM और ANM के फॉर्म है वो रिलीज हो चुके हैं। तो देख पा रहे हैं आप इस नोटिफिकेशन को, इसमें दे रखा है अंतः उपयुक्त विभागीय निर्देश में आलोक मैं शैक्षणिक सत्र 2022-23। तो देख पा रहे होंगे आप वर्ष 2022-23 की जो राज्य के मान्यता प्राप्त सरकारी एवं गैर सरकारी, तो यानी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो कॉलेजेज हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनमें क्या है GNM और ANM के पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु इच्छुक आवेदन जो भारत के नागरिक होने के साथ साथ। तो देख पा रहे होंगे आप यो आपकी जो है जो नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है GNM का और ANM का। तो देख पा रहे होंगे आप सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें दे रखा है आवेदन की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की शुरुआती क्या है, तो आप देख पा रहे हैं 8 तारीख यानी कल से ये फॉर्म चालू हो गए थे, कल से स्टार्ट हो गए थे, 8/9/2022 स्टार्ट हो गए थे। और इसकी जो ऑनलाइन पत्र भरने की समाप्ति तिथि कितनी है, 14 सितंबर है, ठीक है ना, 14 सितंबर है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन यानी ऑनलाइन जो एडिट करते हैं फॉर्म को, उसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी है, वो है 15 सितंबर। तो आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो 15 सितंबर तक। परीक्षा की तिथि एवं समय, तो परीक्षा की तिथि भी दे रखी है इसमें। परीक्षा की तिथि क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, 25 सितंबर 2022 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक। तो ये आपकी परीक्षा की तिथि हो गई, 2.5 घंटे का आपका जो एग्ज़ाम रहेगा। और ऑनलाइन आवेदन फिल करने होंगे आपको, तो आप कर दीजिए ऑनलाइन आवेदन, अभी चल रहे हैं आपकी 14 सितंबर तक चलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बारे में नोटिफिकेशन। तो इसकी जो है प्रशिक्षण की जो अवधि होती है वो होती है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ANM पाठ्यक्रम की जो अवधि होती है वो होती है 2 ईयर की, और जो GNM की जो अवधि होती है वो होती है 3 ईयर की। तो यहाँ पर ANM जो कोर्स होता है वो होता है, ANM कोर्स होता है वो होता है 2 साल का, और जो GNM कोर्स होता है वो होता है 3 साल का। GNM कोर्स होता है 3 साल का, तो यहाँ पर 3 वर्ष का GNM होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ANM। तो ANM के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर, तो जो भी है द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 ईयर्स ऑन द बिफोर 31 दिसंबर 2022। तो यानी कोई भी स्टूडेंट है तो वो 17 साल कंप्लीट होनी चाहिए, कब तक, जब तक 31 दिसंबर 2022 तक, यानी 17 साल का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर द मैक्सिमम एज फॉर द एडमिशन, तो ये मैक्सिमम अगर एज की बात करें तो मिनिमम जो एज होनी चाहिए 17 साल और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 साल। तो ठीक है ना, 17 साल से 35 साल तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट शैल बी 10+2 यानी आर्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस हिस्टरी, तो जो भी है सारी सब्जेक्टों से कोई दिक्कत नहीं है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, इंग्लिश, सारी सब्जेक्टों से होने चाहिए, बस 10+2 होने चाहिए ANM के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट होना चाहिए वो मेडिकली फिट होना चाहिए, स्टूडेंट क्वालिफाइड इन 10+2 आर्ट साइंस एग्जामिनेशन, तो जो भी आर्ट साइंस है क्या है क्वालिफाइड होना चाहिए, ओनली फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल फॉर ANM कोर्स। तो आपको भी पता होगा ANM कोर्स के लिए ओनली फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर GNM, तो GNM का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं, तो इसी में भी 17 ईयर मांगी है, 17 से 35 साल, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं मिनिमम एजुकेशनल, तो इसमें भी 10+2 है, और इसमें जो मिनिमम जो परसेंटाइल है वो है 40%, ठीक है ना, 40% मांगी है। और नेक्स्ट जो बात करते हैं इसकी 10+2 यहाँ पर वोकेशनल जो भी है 40% मांगी है, और CBSE बोर्ड और RBSE बोर्ड दोनों ही चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मेडिकली फिट होना चाहिए स्टूडेंट, और जो भी सारा क्राइटेरिया है इसमें GNM में क्या होता है, GNM में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कौन से राज्य की आवासीय अर्हता, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर झारखंड राज्य की, ठीक है ना, झारखंड राज्य की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर आवासीय अर्हता के। देख सकते हैं आप यहाँ पर झारखंड राज्य में स्थायी निवासी एवं स्थानीय निवासी श्रेणी में आने वाले आवेदक विभाग में अनुसूचना ज्ञापन, तो ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पर जो दे रखा है आप कहाँ से होने चाहिए, झारखंड से होने चाहिए, ठीक है ना, निवासी परिभाषित किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप झारखंड से बिलोंग करने चाहिए, और ये जो सारा क्राइटेरिया है वो हमने बता दिया है आपको। और नेक्स्ट दे रखा है इसमें परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि, तो परीक्षा होगी आपकी 25 सितंबर को परीक्षा होगी, ठीक है ना, रांची में, ठीक है ना, रांची, धनबाद, पलानू,
जमशेदपुर, ये आपके जो ज़िले हैं इनमें आपका सेंटर रहेगा, तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका निकलेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इधर, इधर अगर नेक्स्ट बात की जाए तो जो है आपकी फॉरम के जो पैसे हैं वो है आपके SC और ST कैटेगरी के, यहाँ पे 450 रुपये, और जो है EWS सामान्य वर्ग OBC उनके हैं आपके 900 रुपये, ठीक है ना। तो ये आपके इस प्रकार का आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार रहेगा। तो आपकी मल्टी आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो आपकी 30 अंक का इंग्लिश रहेगा, भौतिक विज्ञान रहेगी 30 की, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गणित, ठीक है ना। तो 150 नंबर की आपकी एग्ज़ाम होगी। तो इस प्रकार से जो आपका सारा जो क्राइटेरिया है वो है ANM को लेकर जी। हाँ तो दोस्तों देख पा रहे होंगे ये है जो ऑफिशियल वेबसाइट है जी, JCET बोर्ड के नाम से, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड। तो ये देख पा रहे होंगे आप जो भी है ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है झारखंड की, ठीक है ना। इस पर आप विजिट करके देख सकती हो जो भी है सारा क्राइटेरिया, जब भी आप कि फॉर्म निकलेंगे तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, रीचेकआउट कर सकते हो, BSc नर्सिंग के भी चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो भी है सारा देख लेना है, नोटिफिकेशन देख लेने हैं आपको। तो इस नोटिफिकेशन में जो आपका दे रखा है, ये नोटिफिकेशन दे रखा है, इस नोटिफिकेशन को आप चेकआउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।